आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी हैं, लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिबली कॉलेज जो आ गए हैं, ये उनसे लाइव बात कर लेते हैं। सर, शिबली कॉलेज में मतदान चल रहा है, क्या मतदाताओं से कहेंगे और किस तरह का माहौल है? लोग बहुत व्यापक सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने को, आरक्षण बचाने को और बीजेपी की नफरत की राजनीति को खत्म करने को। आज भी सोचिए दिल्ली में किस तरह का बयान दिया गया है। इस सब चीज़ों के खिलाफ आज लोग मतदान करेंगे और ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा मुझे। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अपील, खास तौर से जिस तरह से बाई इलेक्शन हुआ था, शिकायतें आ रही हैं, निमित्ताएं आ रही हैं इसी बूथ पर जहाँ पे हम आए हैं और शिकायत पर ही आए हैं। यहाँ पे बुजुर्गों को आने से रोका जा रहा था। जब हमारे यहाँ के वर्कर्स ने फोन किया तो मैं आया हूँ। लेडीज, बुजुर्ग, बीमार लोगों को लाने से रोक रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, प्रशासन के लोग, इसीलिए उनकी खबर पर ही मैं यहाँ तुरंत पहुँचा हूँ। सदर के अलावा कई सारे विधानसभा और हैं, फूलपुर है, सगड़ी है, वहाँ को लेकर क्या खबर है? नहीं, लगातार शिकायतें तो हैं लेकिन समाधान भी हम लोग तत्पर हैं। सारे लोग एक्टिव मोड पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ऐतिहासिक जीत होगी। जनता निकल रही है, जनता का सब शुभकामनाएं, सद्भावनाएं। भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा बढ़ा है। और जहाँ जहाँ हम इस प्रचार के लिए हम लोग गए चुनावों के दौरान, सभी जगह लोगों का बहुत हमें आशीर्वाद मिला, लोगों का बहुत हमें प्यार मिला, इसके लिए मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। और आज जो है, जब आज हरियाणा के अंदर आज जब मतदान हो रहा है, मैं सभी से, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक वो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें, कि ये प्रजातंत्र के अंदर हम सबका, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, सबका फर्ज है कि हम जाके अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। बहुत लोग आ रहे हैं, आपसे सवाल ये है कि ये सीट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब आप यहाँ हैं, पहले आप कर चुके हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 में से 8 सीटें जीतेगी, आपका दावा क्या है? देखिए, हमारा फर्ज है काम करना। हमने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया है, उसके बाद जो है फल की इच्छा जो है आप व्यक्ति को यहाँ इस धरती से, कुरुक्षेत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र से, भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया था कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार, हम अपना कर्म करें और फल जो है हम ईश्वर के ऊपर छोड़ें। तो इसलिए जो है हमने अपना कर्म किया है और जनता जनार्दन है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। तो कौरव और पांडवों की भूमि है, लेकिन एक दूसरे को आप लोग कौरव पांडव बताते पार्टी के लोग, आप नहीं बताते? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, हम तो सिर्फ अपने काम के बारे में हम विश्वास रखते हैं, अपने काम के बारे में हम बताते हैं और आगे की क्या हमारी जो है प्लानिंग होगी, आगे जो है कुरुक्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए हमारी पार्टी की क्या प्लानिंग है, मेरी क्या प्लानिंग है, हम जो है सकारात्मक अपना रुख रखते हैं हमेशा और जनता जो है सकारात्मक रुख को ही पसंद करती है और अपना आशीर्वाद देती है। अंतिम सवाल करूंगा, आप एक दावा कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से आपकी जीत होगी, पीएम? मैंने ऐसा दावा नहीं किया, ऐसा आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा आपको, मैंने तो ये कहा कि हमने अपना कर्म किया है और फल जो है वो ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर जो है यहाँ जनता जनार्दन है तो जनता के हाथों में है। अंतिम सवाल करूंगा जिंदल साहब, आप क्योंकि आपकी राजनीति में एक सलीका होता है और आप हमेशा अपने शब्दों को भी ध्यान से रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बार बार करिए, सवाल मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज वोटिंग का दिन है, 400 पार जी, पीएम दोबारा आ रहे हैं, हैट्रिक लगा रहे हैं, डेफिनेटली ये जो है हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके इस कार्यकाल के दौरान बहुत से काम होगा और जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, हम सब मिलकर उनके इस संकल्प को हम साकार करेंगे। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, दर्शन कर लिए भोले बाबा के, वोट दे दिया आपने? मैंने वोट दे दिया, वोट दे करके सीधा आया हूँ, पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, तो पहले मतदान उसके बाद जलपान, प्रभु दर्शन भी हो गए, क्या लग रहा है आपको? चुनाव हम चांदनी चौक में रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगी। जिस तरीके से बात कही जा रही थी शुरुआत में 400 पार, किस तरीके का आंकलन देख रहे हैं आप? अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार,
बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अब की बार 412 और तीसरी बार मोदी सरकार। सर अगर हम आपके इलाके की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, तो आपके सामने दूसरी पार्टी से जेपी अग्रवाल भी हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती रही है? कोई चुनौती नहीं है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है, इसलिए चुनाव हम जीत रहे हैं। उनके पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी टूटी फूटी हालत में है, नीचे की जमीन धसकी हुई है, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी का सहारा ले रहे हैं, जिसकी खुद हालत बड़ी खराब है। तो दो खराब हालत वाले लोग यदि चुनाव में खड़े होंगे तो वो धराशायी होंगे। तो जो ये इंडी गठबंधन है, क्योंकि अब तो पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई कमाल नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बात कही जा रही है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात भी कर ले तो कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने है। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, एक तरफ राष्ट्र निर्माण वाले लोग हैं, दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और उसके बाद वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो जनता इस बात को अच्छे तरीके से समझती है और जनता ने अपना निर्णय अपने मन में रख लिया है, जो आज मतदान करके वो अपना निर्णय बताएंगे। 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय सामने आएगी। बस एक सवाल, वैसे तो ये आपका तीसरी बार है, लेकिन कहते हैं कि जब परीक्षा में जाए थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहती है, आप क्या आज महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा समय आता है तो थोड़ा तो रहता ही है, लेकिन बहुत सकारात्मक भाव है। जब मैं पूजा करके और भगवान सूर्य से हमारी किरणों का साक्षात्कार हुआ तो सच में अंदर से बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज देश हित में दिल्ली की 7 सीटें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। आप ही के प्रोफाइल को देखकर इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया को उतारा गया, कन्हैया ने इस पूरे चुनाव में आपको चुनौती दी, किस तरीके से आज देखते हैं, क्या वो कंपटीशन रहा है, अच्छा कंपटीशन मिलेगा? मुझे लगता है कि वो चुनौती बन गए अपनी पार्टी के लिए, उनके आते ही कांग्रेस खंड खंड हो गई। अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, ये लोग एक तो हो गए लेकिन उनकी पार्टी एक नहीं हुई। पार्टी के लोग बहुत हताश निराश, आज वो सब कमल का बटन दबाएंगे, क्योंकि सबके मन में है कि जो कांग्रेस थी अब वो माओवादी कांग्रेस हो गई है, अब वो कांग्रेस नहीं रही। इस देश को नरेंद्र मोदी जी चाहिए, इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है ये देश। और उसके रास्ते में ये सब लोग जो अवरोध और बाधक और देश की प्रगति में पत्थर, कंकड़ पत्थर डालने आए हैं, उनका कोई जगह आज दिल्ली की जनता नहीं छोड़ेगी। सर, दिल्ली का वोटर टर्नआउट हमेशा बहुत कम रहता है और आज बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसे में वोटरों से क्या अपील करेंगे जो अभी भी घर में हैं? लोग निकल पड़े हैं और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, अभी भी आप जो लोग इंतजार कर रहे होंगे निकलने का, प्लीज निकल पड़िए। आज अगर धूप भी लगे तो भारत का स्वरूप सजाना है, आकर आज अगर घाम भी लगे तो सोच लीजिएगा हिंदुस्तान सजाना है। और जो लोग हिंदुस्तान की प्रगति में बाधक बन रहे हैं उनको नेस्तनाबूत करने के लिए आज अपने अपने घर से निकल करके देश हित में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो।